दिल्ली हाई कोर्ट ने गुरुवार को पिछले साल फरवरी में दिल्ली में हुए दंगों के दौरान एक परिसर में लूटपाट और आग लगाने के कथित मामले में एक ही शख्स के खिलाफ दर्ज 5 FIR में से 4 को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि एक ही संज्ञेय अपराध के लिए दूसरी प्राथमिकी और नई जांच नहीं हो सकती, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित कानूनों के खिलाफ है। नॉर्थ ईस्ट दिल्ली दंगों को लेकर अदालत ने दिल्ली पुलिस को पूरी तरह से असफल करार दिया है। एक ही अपराध के लिए दिल्ली पुलिस ने 5 FIR दर्ज की हैं। कोर्ट को ये तक कहना पड़ा कि एक ही संज्ञेय अपराध के लिए पुलिस 5 FIR दर्ज नहीं कर सकती। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या पुलिस को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की जानकारी नहीं है। शीर्ष अदालत जब पहले ही कह चुकी है कि एक ही घटना के लिए अलग अलग FIR दर्ज नहीं की जा सकती, कोर्ट ने सबूतों के अभाव में तीनों लोगों को आरोप मुक्त करते हुए कहा कि ये मामला करदाताओं की गाड़ी कमाई की भारी बर्बादी है, इस मामले की जांच करने का कोई वास्तविक इरादा नहीं है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर चूक कहां हुई। जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद ने कहा कि ये नहीं किया जा सकता है कि घटनाएं अलग थी या अपराध अलग है। जैसा कि पहले कहा गया है कि संबंधित प्राथमिकी में दायर आरोप पत्रों के अवलोकन में पता चलता है कि वे कमोबेश एक जैसे हैं और आरोपी भी वही है। हालांकि अगर आरोपी के खिलाफ कोई सामग्री मिली है तो उसे प्राथमिकी में दर्ज किया जा सकता है। विशेष अदालत ने कहा कि जब इतिहास दिल्ली में विभाजन के बाद से सबसे भीषण सांप्रदायिक दंगों को देखेगा तो नए वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करके सही जांच करने में जांच एजेंसी की विफलता निश्चित रूप से लोकतंत्र के रखवालों को पीड़ा देगी। अदालत ने कहा कि जिस तरह की जांच की गई और वरिष्ठ अधिकारियों की ओर से उसकी निगरानी की कमी साफ तौर पर दर्शाती है कि जांच एजेंसी ने केवल अदालत की आंखों पर पट्टी बांधने की कोशिश की है और अदालत का वक्त बर्बाद किया है।